हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो मैं हूँ महाआचार्य रूही और स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल हार्टफेल टैरो पे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं लेट नाइट, और उनके दिल में दिमाग में आपके लिए क्या जो है फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, लेट नाइट के थॉट्स काफ़ी अलग होते हैं। सो ये किसी भी प्रकार के थॉट्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन से कार्ड्स आएंगे कौन से कार्ड्स नहीं, लेकिन जो कार्ड्स आएंगे आप लोगों की एनर्जी के अनुसार से आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस जो कार्ड है इसको मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट किया है एंड अब एक नई पॉलिसी जो है आ रही है। एक तो मैरिज के लिए मैंने कहा था कि कल से बुकिंग होगी, और जो लोग पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं उनकी मैं हीलिंग करूँगी, और वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उनकी मैं हीलिंग करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो लोग रीडिंग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो लोग रीडिंग लेंगे उनकी ही जो है हीलिंग होगी। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं रीडिंग, ठीक, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी हीलिंग हेल्थ के लिए होगी, निगेटिविटी के लिए होगी, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हुआ होगा वो ख़त्म कर दूंगी मैं हीलिंग के दौरान, हीलिंग करूंगी मैं। ठीक है, और आपसे 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए मैं फ़ोन से कनेक्ट रहूंगी। ठीक है, तो जो है आप लोग जो लोग भी लेना चाहते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ठीक है, तो ये एक ऐड किया है मैंने, क्योंकि जो है मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोगों की हेल्प करूँ, तो उसके लिए मैंने ये सर्विस स्टार्ट की है। तो अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग प्लस हीलिंग तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के चार्जेस नहीं देने हैं आपको, सिर्फ आपको पर्सनल रीडिंग के ही पैसे देने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। मोमेंट टू मोमेंट, ओके, प्रोजेक्शन का कार्ड है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर शाम या रात को क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट क्या सोच रहे हैं। कंपैरिजन का कार्ड है। ओके, पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। ओके, फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे आई है निकल के। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में, सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर है ना वो स्टेबल नहीं है, आपके पार्टनर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आपके पार्टनर हमेशा ही आपको कहीं ना कहीं कुछ बातों में उलझा देते हैं, कुछ बातों में फंसा देते हैं, या मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर जानबूझ के कभी कभी ये चीज़ें करते हैं। जानबूझ के करते हैं कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी करते हैं। ये पर्सन को आपके साथ रह करके या आपसे बात करके ऐसा फील होता है कि आपके पास कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जिसकी वजह से आप जो है ना सारी चीज़ों को पलट के रख देते हो। यानी कि कहें तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है काफ़ी क्लींस है, एंड इसी से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनको जब भी आपसे बात करनी होती है या जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो इनको ऐसा लगता है, ये पर्सन कॉल करने पे मजबूर हो जाते हैं या बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, कुछ ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं हो रहा है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और ये पर्सन अपने आप से ही जो है ना आपको कॉल कर देते हैं, मैसेज करते हैं या बात करने लगते हैं आपसे। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी के अनुसार से आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने लगे हैं,
काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए और काफ़ी पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन मैं देखूँ तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, और चूँकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इसी के लिए आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेट नाइट थॉट में ये पर्सन को सेक्सुअल फीलिंग्स तो आती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो टाइम पीरियड भी याद आ जाता है जब आप दोनों के बीच में फाइटिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं। काफ़ी अग्रेशन में रहते हैं, काफ़ी अग्रेसिव नेचर है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर हमेशा अपने मन की करते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं। हालांकि आपने इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है, आपने इनको सोचा है कि हाँ ये पर्सन आपको जो है बहुत कुछ सिखाए या बहुत कुछ कराए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे इशू मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके या सारी चीज़ों को सही करके है ना, वो कर सकते हैं आपके पार्टनर। रिलेशनशिप को हील करना, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें करना, ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस यस यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन को मैनेज करना है या हील करना है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, जो कि आपके पार्टनर का मन जो है ना काफ़ी है ना बदलता रहता है, यानी कि मूड स्विंग्स काफ़ी होते रहते हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर के मन में क्या है आपको जानने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये पर्सन कभी पॉजिटिव बातें करते हैं तो कभी नेगेटिव बातें करने लगते हैं। आपको लेकर के इनके मन में एक्चुअल में है क्या, या ये पर्सन फील क्या करते हैं, ये पर्सन को बताना बड़ा मुश्किल है, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर जो है आपकी फीलिंग्स से आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं कभी कभी खेलते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का मन बदलता रहता है आपको लेकर के। यहाँ इस पर्सन के सामने मैं देखूँ तो जब भी आपको देखते हैं या जब भी आपको फील करते हैं तो इनको एक ऐसी फीलिंग या ऐसी वाइब ज़रूर आती है जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो ना, सेम आपके पार्टनर भी वही फील कर रहे हैं। ठीक, अभी के समय जो आप फील कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है, आपके पार्टनर के मन में भी वही कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने किए गए वादों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं और कहीं खड़े नहीं उतर पाते हैं। मुझे ऐसा वाइब, ऐसी एनर्जी, ऐसी फीलिंग मुझे फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो एक खालीपन सा है, अकेलापन सा है आपके पार्टनर के अंदर, है ना, ये एनर्जी दिख रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों दिया है आपने, क्लियर करें प्लीज़। ओके, एस ऑफ कप्स, कभी इनका मन करता है कि आपके तरफ ये पर्सन आ जाए, प्यार का ऑफ़र ये पर्सन करे, और दूसरे ही पल जो है इनका माइंड चेंज हो जाता है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये पर्सन कभी बहुत इमोशनल हो करके आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन को लगता है कि आपके तरफ जो है आना चाहिए, तो अपने कदमों को उठाते तो हैं, प्रपोज करने के लिए उठाते हैं, लेकिन ये पर्सन फिर प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं कि यार मैं क्यों करूँ, है ना, एक इनके अंदर ईगो आ जाता है कि मैं क्यों करूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं बच्चेकानी हरकतें क्यों करूँ। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को जो एक होता है ना कि हाँ आश्वासन देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि यस आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी है या काफ़ी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी कुछ है, जो भी कुछ है, ये चेंजेस करने होंगे, ये चेंजेस करना ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में ये चेंजेस करना ज़रूरी है और आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। ठीक, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मैंने पहले भी कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके पार्टनर, और सेम कार्ड डिवाइन ने दिया है जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता रहा है।
आपके पार्टनर निराश हैं, आपके पार्टनर उदास हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, ये बहुत मिसिंग वाली एनर्जी में है, बहुत दिल से मिस कर रहे हैं कि ये पर्सन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो अकेलापन, वो खालीपन है, बड़ा सता रहा है आपके पार्टनर को वो अकेला, वो खालीपन है ना। बट ये पर्सन कहते हैं ना कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से कि ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हाँ अपने आप में ही ये पर्सन फंस गए हैं। यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनको जो फील हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ फील हो रहा है कि नहीं, वो भी ये पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। आपकी याद आ रही है, आपकी ही याद आ रही है, थर्ड पार्टी की याद नहीं आ रही है। यहाँ पे कार्ड आपके लिए निकला है, तो ये जो है ना यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, दिल से मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार मैंने गलती करी है। और अपनी गलती जब इंसान करता है तो उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, अपनी गलती जब इंसान जो है एक्सेप्ट करने लगता है ना तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को है ना ऑब्जर्व करने लगे हैं, उन सारी चीज़ों को समझने लगे हैं। कंपैरिजन का कार्ड क्यों दिया है डिवाइन, यहाँ पे देखो फाइव ऑफ कप्स का कार्ड दे दिया अगेन यूनिवर्स ने। आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं, किस बात का कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस खूबसूरती से, थर्ड पार्टी और आपके बीच में कंपैरिजन चल रहा है, खूबसूरती को लेकर के, अकलमंदी को लेकर के, साथ ही साथ आपने अपने जीवन में क्या कुछ पाया है इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्या है, खूबसूरती में डिफरेंसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके तरफ जो अट्रैक्शन आपके पार्टनर को फील हो रहा है वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको लेकर के सपने देखे थे अपने बेबी से रिलेटेड, है ना, या आपको वाइफ या आपको हस्बैंड बनाने का इस पर्सन ने बोला था, ठीक। लेकिन अब इनके ज़िंदगी में आ चुका है कोई थर्ड पार्टी, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ के एनर्जी के अनुसार से कि ये जो पर्सन है ना यहाँ पे आपकी अदाओं पे ये पर्सन मर मिटे हैं, आपको लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी थोड़ी सी कह सकते हैं कि आपसे थोड़ा सा उसका जो वेट है वो कम है, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो वेट है ना वो थर्ड पार्टी के वेट से कम है, सॉरी उसका कम है, ठीक है, और आपका थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन यस, फिर भी आप इतने वेट में भी है ना बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो, थर्ड पार्टी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन कहते हैं ना कि 80-90 का फासला है ना, 80-90 का फासला है आप दोनों के बीच में। देखो अभी फ़िलहाल आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, अभी बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, उसको लेकर के भी आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी पेन है, काफ़ी अंदर से जो मन दुखी होता है ना वो मन बहुत दुखी है, मन में बहुत दुख है, मन में बहुत तकलीफ़ है, मन में जो कहते हैं ना कि तकलीफ़ें जो होती हैं ना वो दिल से होती हैं, दिल में जो इतनी तकलीफ़ भरी पड़ी है ना सच में काफ़ी अलग है। पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें, पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है। देखो आपका जो रिश्ता है ना ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का भी है, क्योंकि मुझे दिखता है कि जो कर्म हमने पिछले जन्म में नहीं भोग पाए है ना वो कर्मों को भोगने के लिए हम लोगों को ईश्वर ने इस जन्म में भेजा है। हमने अच्छे कर्म किए हो या बुरे कर्म किए हो हमें भोगना तो है ना। तो कहते हैं ना कि जो तुम बोगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे वही है कि आपको ईश्वर ने एक और मौका दिया है प्रपोज करने का या फिर अपने सपनों को अपने लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करने का। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये आखिर कनेक्शन घूम फिर के मेरे सामने क्यों आता है, क्यों वो पर्सन मेरे सामने घूम फिर के आता है जिसे मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ, जिसे मैं भुला देना चाहता हूँ, वो मेरे सामने क्यों आता है या क्यों आती है। उसके अलावा भी तो चांसेस हैं, बट मेरे पास कोई और ना आकर के यही क्यों, ये क्यों, ये मेरे साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को लगता है कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए, बट मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को है ना गहरा करके या रिलेशनशिप को सही करना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, ठीक है।
थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि यस 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 आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। एंड मैं देखूँ तो कहीं ये पर्सन डर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर डर इसलिए है कि क्योंकि जो भी पिछला टाइम था ना, बहुत खुश थे आप दोनों, बहुत हैप्पी मूड में थे, बट फिर भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, फिर भी आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए, फिर भी आप दोनों के बीच में कहते हैं ना कि आर्गुमेंट्स, छोटे छोटे आर्गुमेंट्स ही तो बड़ा रूप ले लेते हैं, तो वो चीज़ें हो गई आपके साथ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रही है कि यार रिश्ता सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, बट आगे का क्या है ना, तो आगे की चीज़ें जो है ना यहाँ पे मुझे थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, ठीक है। और अब जो है ये पर्सन हील करने के बारे में, लेट नाइट में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को हील कैसे किया जाए, कैसे इस रिश्ते को हील कर सकते हैं, इस रिश्ते की हीलिंग कैसे होगी, इस रिश्ते में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस कैसे ख़त्म होंगे, कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस 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 यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन अपने रिश्ते को ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पर्सन मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा, आपके मन में तो यही सवाल आ रहा होगा, है ना। तो इस सवाल को हम सॉल्व यहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या ये पर्सन कुछ कर पाएंगे इस रिश्ते में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं क्या इस रिश्ते में ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, क्या ये पर्सन वो कर पाएंगे। ओके, गोइंग विद द फ्लो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, साइलेंस। देखो आपके पार्टनर के मन की बात में देखो ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को शांत दिखाई दे रहे हैं, शांत, अपने आप को शांत करेंगे ये पर्सन। जैसे कि मन में उछल कूद होती है, उछल कूद होता है, बहुत उछल कूद होता है, लेकिन क्या करेंगे ये पर्सन, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करेंगे कि शांत रहो ना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, शांत रहो, बस शांत रहने की ज़रूरत है, इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे शांत आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन शांत रहना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने मन की बात, अपने दिल की बात शांति से आपसे करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है चाहते हैं कि आप इनकी मजबूरियों को समझो, अपने मन के बातों को समझाने के लिए रेडी हैं, लेकिन जब आप इनके मन को समझोगे ना, आप रोने भी लगोगे। इनके मन को समझोगे ना तो रोने भी लगोगे। इनको ऐसा लगता है कि अगर उसे मेरे दिल के बारे में पता चल गया ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन अपना कर्मा कंप्लीट कर रहे हैं। ये कर्मा थर्ड पार्टी के साथ इनका जो है ना जुड़ा हुआ जो कर्मा है उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं, और ये जो कर्मा है इनको भोगना है, इनको कर्मा अपना ठीक करना है। अगर कर्मा किसी को सही करना है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा, है ना। बर्डन, कर्मा का बर्डन कौन झेलेगा, यही तो झेलेंगे। ये जो इतने एक से ज़्यादा रिलेशन रखना ये तो कार्मिक ही है ना। ये कोई एक से ज़्यादा रिलेशन, कोई सोल कनेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन ने कर्म ही खराब किए हैं और कर्म खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका कार्मिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अब इनको जो है ना वो रिलीज़ करना पड़ेगा, इनको फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं ये पर्सन, और ये पर्सन करेंगे हीलिंग, तो करेंगे ये पर्सन, नो डाउट ये पर्सन हीलिंग करेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने सोच लिया है कि मुझे अपना हीलिंग करना है। अभी इस पर्सन का शनि काफ़ी भारी हो सकता है इनके ऊपर, इनकी शनि की दशा चल रही होगी, ये भी दिख रहा है मुझे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। मुझे इनकी शनि की दशा दिखाई दे रही है कि शनि की दशा यानी कि सैटर्न की दशा चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना
जैसे ही ये पर्सन अपना कर्मा या अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, ये पर्सन को साफ सीधा रास्ता दिखाई देने लगेगा कि इनके लिए सही डायरेक्शन कौन है, सही डायरेक्शन में क्या है, सही डायरेक्शन में कौन कौन लोग हैं, कौन नहीं है। ये पर्सन को सब कुछ सही सही दिखाई देने लगेगा। ये पर्सन जैसे ही अपने आप को है ना आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है मुझे, काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे दिख रहा है टावर की एनर्जी, जो कि बता रही है कि यस, मैंने जैसा कि कहा कि सैटर्न की दशा चल रही है इनकी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है ना आपके, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेट रहेंगे ये पर्सन। अपने ज़िंदगी से वैसे लोगों को निकाल के फेंक देंगे जो कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक चीज़ें कर रहे हैं और इनकी ज़िंदगी पर बात कर रहे हैं। उनसे ये पर्सन अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लेंगे, ब्लॉक कर देंगे उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने से। आप दोनों के रिश्ते में जो भी लोग आएगा बीच में जो भी पड़ेगा वो तो जाएगा, इनकी नज़रों से वो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि उनसे ये पर्सन हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे और हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ करके ये पर्सन आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी परेशान रहने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है ना, काफ़ी परेशान रहेंगे कि ये पर्सन दूसरों की बातों में आकर के या थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में जा करके इन्होंने आपके प्रपोजल को ठुकराया है, और इनके प्रपोजल को ठुकराने की वजह से ही इनको आज रोना पड़ रहा है। इनको इतना बर्डन क्यों झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने ही अपना कर्म खराब किया है, इन्होंने ही जो है सारी गलती करी है। इनकी गलती की वजह से आज आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो। इतने डिफरेंसेस क्यों आए हैं, क्योंकि इन्होंने गलती करी है। सो काफ़ी क्लियर है ना, यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने करा है और इसी का भोगना इनको पड़ रहा है, इसी की वजह से इस पर्सन को भोगना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की एनर्जी बता रही है। ये पर्सन को धीरे 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 करके के बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन अफसोस कर रहे हैं। ये पर्सन के अंदर अफसोस वाली एनर्जी है, बहुत अफसोस वाली एनर्जी है। एंड यहाँ पे मुझे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि यस, आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जो है फ्यूचर में किसी टैरो का रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी न्यूमरोलॉजर से कांटेक्ट होगा, और ये पर्सन जो है ना इनको सारी क्लैरिटी दे देगा, सब कुछ समझाएगा कि तुमने कितने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, तुम्हारी गलती क्या है, उसकी गलती क्या है, और कैसे ये रिश्ता संभलेगा। ये पर्सन हीलिंग भी करता होगा, जिससे ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं हीलिंग करती हूँ, हो सकता है मुझसे ही कांटेक्ट कर ले, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं, आपके पार्टनर के अंदर है वो सारी चीज़ें हैं, आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें जागृत होंगी। ये पर्सन के अंदर ऑकल्ट फील्ड में जाने की इच्छा भी करेगा, क्यों, क्योंकि ये पर्सन को जानना रहेगा, अपने रिश्ते की सच्चाई को जानना रहेगा कि ये पर्सन गलत थे, थर्ड पार्टी के साथ गलत थे, तो ये पर्सन गलती इस पर्सन को उस समय एहसास क्यों नहीं हुई। ये पर्सन काफ़ी सोच विचार करेंगे, काफ़ी डीप लेवल में सोच करके ही तभी जो है ये पर्सन कोई एक्शन या डिसीजन लेने के लिए रेडी होंगे, खुद को तैयार करेंगे, गोइंग विद द फ्लो के साथ एट ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अपने अंदर की गिल्ट, अपने अंदर की तकलीफ मिटाने के लिए ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि इनको पता चलेगा कि ये पर्सन ने कितनी बड़ी गलती करी है, कितना ज़्यादा ब्लेम किया है, आपको कहीं ना कहीं अपने दिल से, अपने मन से निकाला है, या आपको इतनी तकलीफ दी है कि वो तकलीफ हम बयां नहीं कर सकते हैं। सो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर अंदर से जो है ना दुखी हो चुके हैं। ये पर्सन को जो है ना यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे इनको एक्शन लेना है, यहाँ पे इनको डिसीजन लेना है, यहाँ पे इनको बात करनी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को फिर से प्यार को जिंदा करना है। प्यार मर नहीं सकता है, प्यार को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पर्सन प्यार की नई शुरुआत करेंगे, ताकि ये पर्सन का जो कर्मा है वो कम से कम रिलीज हो सके और फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है।
सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिखा है मुझे आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सर रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड कल है नवरात्रि का पहला दिन, तो कल के लिए रेमेडी मेरे पास है। अगर आप मैरिज से रिलेटेड रेमेडी करना चाहते हैं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेमेडी बताऊँगी मैं, उसके चार्जेस आपको देने होंगे ठीक है, और चार्जेस देंगे आप, रेमेडी बताई जाएगी और कल से ही वो रेमेडी करनी है। कल है प्रथम दिन, तो प्रथम दिन से ही जो है ना पूजा स्टार्ट होगी। आपको खुद पूजा करनी है ठीक है, आपका खुद का साथ चाहिए आपको, और उस पूजा में आप अपने पार्टनर को जो जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना सही करना, वो चीज़ें आप सही कर पाओगे ठीक है। नवरात्रि का पहला दिन है, सो पहले ही एडवांस में बोल देती हूँ हैप्पी नवरात्रा, माँ की कृपा आप सबके ऊपर रहे और माँ जल्दी से आए आपके घर, कल आपके द्वार पर पधारे और आप सबके घर को स्वच्छ करे, सुंदर बनाए, खुशहाल बनाए। और मैं यही प्रे करूँगी आप सबसे कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, एंड माँ दुर्गा की कृपा हम सब पे बनी रहे, हम सब पे, पूरी दुनिया पे। तो चलिए मैं इसी तरीके की ब्लेसिंग्स करती हूँ हम सब के लिए, और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं मुझसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।